हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म जोग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की, जिसमें हम तीन क्लासेस कर चुके हैं। पहली और दूसरी क्लास यूनिवर्स रिलेटेड थी और तीसरी क्लास आपकी यूनिवर्स में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है उसके रिलेटेड थी। ये चार नंबर की क्लास है आपकी। जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं निहारिका क्या होती है और आकाशगंगाएं क्या होती हैं। ठीक है, निहारिकाएं कैसे बनती हैं और उसके बाद आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, संस्कृत शब्द निहार का अर्थ कोरा होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो निहार जो एक शब्द है वो किसका होता है, कोहरे का, जो आप सर्दियों में देखने को आपको मिलता है इस तरह का कोहरा। ठीक है, इसलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा जाता है। निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला कहते हैं। निहारिका या फिर आप कह सकते हो नेबुला। ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है, क्या, बादलों का एक पुंज। ठीक है, या आप कह सकते हो धुएं का एक प्रकाश पुंज। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी रूप में प्रयोग किए गए, किंतु अब निहारिका और आकाशगंगा शब्द अलग अलग अर्थों में दर्शाते हैं। क्यों? देखिए, कुछ जैसे जैसे खोज बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, पहले आकाशगंगा और निहारिका दोनों एक समान समझे जाते थे, लेकिन अभी इन दोनों को भिन्न समझा जाता है। कैसे, चलिए। वास्तव में एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होता है। यानी कि ये कह रहा है, देखिए, जब हमने बिग बैंग थ्योरी इस प्रति सिद्धांत को जाना, विस्फोट होने के बाद जब ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा था तो हमने देखा कि हीलियम और हाइड्रोजन के बादल बन रहे थे। वही बात कर रहा है कि हाइड्रोजन के गैस से बने विशाल बादल, ठीक है, उनका संकुचन यानी कि सेन, यानी कि वो इकट्ठे हो रहे थे। ठीक, जिससे निहारिका निबुला की संज्ञा दी गई। आप कह सकते हो एक तरह से कोहरे का इकट्ठा होना, ठीक है, अंतरिक्ष में कोहरे का, धुएं का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है। और एक तरह से निहारिका जो होता है, निहारिका को आकाशगंगा का बचपन भी कहा जाता है। ठीक है, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे गैसीय पुंज निर्मित हुए और जो ये गैसीय पुंज थे और ये एक साथ आकर जुड़ गए। ठीक है, ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। देखिए, घना गैसीय पिंड बन गए, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ठीक है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूलकणों एवं गैसों के एक पुंज को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। देखिए, यह झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन गए। ठीक है, घने गैसीय पिंड बन गए जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हो गया। ठीक है, आप कह सकते हो तारों का निर्माण हो गया, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन तारों, धूलकणों एवं गैसों को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। ठीक है, देखिए, एक आकाशगंगा की अगर बात करें, उसमें आपने सुना होगा असंख्य तारे हैं। ठीक, और वो असंख्य तारे, या आप कह सकते हो सौरभ तारों की बात करते हैं। ठीक, ये जैसे देखिए, आपने गैसीय, एक गैसीय बादल देखे थे, जो गैसीय बादल थे वो क्या थे, निहारिका। और निहारिका में जब धीरे धीरे तारों का निर्माण होने लगा और तारे जो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तारे, धूलकण, ठीक है, गैस जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन सबको मिलाकर किसका निर्माण होता है, आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार निहारिका आकाशगंगा की भ्रूण अवस्था है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा का आप कह सकते हो जो निहारिका होती है, क्या होती है, उसकी बचपन की अवस्था होती है। ठीक है, पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन जो गैस होती है उसके बादल बनते हैं, उनमें संकुचन होता है, उस संकुचन में धीरे धीरे विस्फोट होने से
छोटे छोटे तारों का निर्माण, छोटे छोटे मतलब विस्फोट होने से तारों का निर्माण होता है, और वह तारे और गैस और धूलकण एक दूसरे से बंधे हुए हैं किस कारण? गुरुत्व आकर्षण बल के कारण, और जिससे किसका, इन सबसे मिलकर किसका निर्माण होता है? आकाशगंगा का। ठीक है, जबकि शब्द आकाशगंगा विकसित अवस्था है। ठीक है, यानी कि भ्रूण अवस्था क्या है, छोटी अवस्था क्या है आपकी निहारिका, और विकसित अवस्था क्या है जिसमें तारों का निर्माण हो चुका होता है, वो क्या होती है आपकी आकाशगंगा। ठीक है, हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी की वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाशरीता दृश्य दृष्टि गोचर होती है, स्वर्ग की गंगा मिल्की वे की संज्ञा से जानी जाती है। देखिए, कहा जाता है कि जो पृथ्वी से जो दूध के समान ही आप करते हो, स्वर्ग यानी कि हेवन की संज्ञा दी जाती है, जिससे जिस कारण हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हम पृथ्वी से समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी आकाश गंगा में तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं, उसकी मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा का हम अंश हैं, यानी कि हमारा जो सौर परिवार है वो उसकी मध्य की घूर्णनशील भुजा का अंश है, और उसमें से हम एक ही भुजा देख पाते हैं, किसकी, मिल्की वे की। ठीक है, मिल्की वे की हम एक ही भुजा देख पाते हैं, यानी मंदाकिनी की हम एक ही भुजा देख पाते हैं। बिग बैंग के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में 1 खरब या 100 मिलियन से अधिक आकाशगंगाएं विद्यमान हैं। इसमें से 10 मिलियन आकाशगंगा को दूरबीन से देखा जा सकता है। ये आकाशगंगाएं वृद्धपुंजों से निर्मित हैं। एक वृद्धपुंज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, या आप सुपर क्लस्टर कह सकते हो, में कई आकाशगंगाएं हैं। खगोल शास्त्री रोलो के अनुसार कोई भी आकाशगंगा पहले अनियमित रूप से शुरू होकर सर्पिला आकार धारण करती है, अंतिम में तारों की वृद्धि होने के बाद दीर्घवर्ती आकाशगंगा में बदल जाती है। आकाशगंगा विभिन्न प्रकार के विकिरण निकालते रहते हैं, इनमें गामा किरणें, अवरत किरणें, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी प्रकाश, अदृश्य प्रकाश, एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। इन विकिरणों की सहायता से इनका अध्ययन संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, धीरे धीरे बादल बने, किसके, हाइड्रोजन गैस के बादल बने, वह सभी संकुचित हुए। ठीक है, संकुचित होकर एक निहारिका का निर्माण किया। निहारिका में धीरे धीरे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, और तारों के पुंज से तारों का निर्माण हुआ। धूलकण और गैस से मिलकर पूरी एक आकाशगंगा का निर्माण हुआ। जब एक आकाशगंगा शुरू में अपना स्वरूप धारण करती है, उसका आकार एक सर्पिलाकार आकार होता है, जैसे अभी हमारी मंदाकिनी का है, और जैसे ही उसके तारों की संख्या पूरी होती है, आप कह सकते हो वह अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच जाती है, उसके बाद उसका आकार दीर्घवर्तीय हो जाता है। ठीक है, और आकाशगंगा जो होती है विभिन्न प्रकार की विकिरणें निकालती हैं, जिसमें से गामा किरणें, अवरत किरणें, रेडियो तरंगें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें इसमें शामिल हैं। ठीक है, इन विकिरणों से ही जो गैलेक्सीज होती हैं उनका अध्ययन संभव हो पाया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और मंदाकिनी के बारे में जानते हैं। मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे। देखिए, बात करें मंदाकिनी या मिल्की वे की, वह आकाशगंगा जिसमें सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह आदि अवस्थित हैं, मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा सौर परिवार है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाशगंगाओं का वृद्धपुंज है, यानी कि सुपर क्लस्टर है, जिसमें क्या होता है 24 आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। इसमें लगभग 1 अरब तारे पाए जाते हैं। यह तस्त्री सदृश चपटी है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। देखिए, महत्वपूर्ण लाइन है, इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को वलज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल है। इसे कर्षण व्यूअर
जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है जिसे कर्षण विवर भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक है, यानी कि उसके आसपास तारे अधिक हैं। ठीक है, शोध के बाद पाया गया कि जो ब्लज है, ब्लज में एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल के पास क्या है, बहुत ही अधिक संख्या में तारे हैं। ठीक है, जिसे कर्षण विवर आप कह सकते हो कहा जाता है। ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल पाए जाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि इनमें प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन इनमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है जो कि ब्लैक होल की उत्पत्ति का आभास कराती है। एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौरमंडल से 3 गुना अधिक बड़ा होता है, किंतु यह संपूर्ण आकाशगंगा से निकली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा विसर्जित करता है। केंद्रीय ब्लज के चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। ठीक है, देखिए जो ब्लज है ये एक ब्लज है और इसके मध्य एक ब्लैक होल पाया जाता है, और ये जो ब्लज है इसके पास में 3 क्या हुआ है, आपकी घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है, इस ब्लज के आसपास 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और इन घूर्णनशील भुजाओं के आसपास ही तारों का क्या पाया जाता है, पुंज पाया जाता है, आप कह सकते हो झुंड पाया जाता है। और आप आपको पता है कि जो एक तारा होता है उसका एक अपना सौर परिवार होता है, जैसे हमारे सूर्य का अपना एक सौर परिवार है, तो ऐसे अनेकों सौर परिवार एक मिल्की वे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है, हमारा सौरमंडल इसी भुजा में स्थित है। ठीक है, जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है किसकी, मंदाकिनी की, उसी में हमारा सौरमंडल उपस्थित है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। मंदाकिनी की तीसरी घूर्णनशील भुजा में गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं क्योंकि ये बाहरी उसकी भुजा है। ठीक है, यहाँ नवीनतम तारों का जन्म होता है। हमारी मंदाकिनी रूपी आकाश गंगा में कुछ खगोलीय तत्वों की वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या जाना, पहले हमने जाना निहारिका क्या होती है, उसके बाद हमने जाना आकाश गंगा क्या होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, निहारिका जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल होते हैं, उनके संकुचन से उनमें विस्फोट होता है, विस्फोट से तारों का निर्माण होता है। जब तारों का निर्माण हो जाता है और वह तारों के निर्माण गैसीय पुंज और आप कह सकते हो धूल कणों के सभी के समावेश से एक आकाशगंगा निर्माण होता है। निहारिका आकाशगंगा की एक भ्रूणावस्था है। ठीक है, ऐसी ही एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी यानी मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, और इस मिल्की वे में 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है, जिसकी एक मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा उसका कौन भाग है, हमारे सूर्य का एक सौर परिवार है जिसमें हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे अनेकों सौर परिवार अलग अलग तारे के पाए जाते हैं और ऐसे तारे आपकी गैलेक्सी में 100 अरब हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, और प्रत्येक तारे का अपना एक सौर परिवार है जैसा कि हमारे सूर्य का। ठीक, ये क्या हुआ, ब्रह्मांड, ये क्या हुई, इन्हें कहते हैं आकाशगंगा। और ये आपका सूर्य, ये आप कह सकते हो तारा, और ये उसका सौर परिवार। ठीक है, निहारिका जो होती है आकाशगंगा की एक पूर्णावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम तारामंडल, उसके बाद जानेंगे हम तारों का निर्माण कैसे होता है, इसके बाद सीधा चलते हैं सूर्य के, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम सूर्य, सूर्य जो एक तारा है, और उसके बाद हम जानेंगे पृथ्वी या पृथ्वी संबंधित उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास, यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्लास को
और कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।